दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विधारी सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ। ओलंपिक ध्वज के विभिन्न रंगों के अंतर संबंधित चक्र जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? विश्व एकता को, मानव का भ्रातृत्व को, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता को, या फिर वैश्वीकरण को? तो ये किस चीज को प्रदर्शित करते हैं जो चक्र होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, विश्व एकता के साथ में रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू। कौन सी अंतरराष्ट्रीय निकाय खेलों को राजनीति से दूर रखने का प्रयास करता है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय निकाय, उसका नाम बता देना। स्पोर्ट्स फेडरेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, या फिर आईओसी? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहां पे जो उत्तर हो जाएगा आपने क्लिक किया होगा डी ऑप्शन के साथ में, आईओसी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड नंबर का डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, थर्ड नंबर का। भिन्न शहरों में आयोजित ओलंपिक खेलों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करके बता देना, इसको क्या होगा इसमें राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा देख के क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? लंदन आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा हेलसिंकी, थर्ड पे आपका मेलबर्न आ जाएगा, और फोर्थ पे आ जाएगा रोम। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। लंदन अगर पूछ लिया जाए तो 1948, हेलसिंकी पूछा जाए तो ये आपका 1952, मेलबर्न अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा 1956, एंड रोम जो दिया हुआ ये आपका रिलेट कर जाएगा 1960 के साथ में। तो राइट आंसर आपने क्लिक कर दिया बी ऑप्शन। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि आपको एक सीट अपनी रिजर्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर चार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न ओलंपिक खेलों के कालानुक्रम के सही क्रम का चयन करके बताना है, सेम टू सेम थ्री की तरीके का क्वेश्चन है। आप यहां पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में। तो यहां पे उत्तर जो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, मैक्स को दिया हुआ, म्यूनिक दिया, मॉन्ट्रियल दिया, मास्को दिया है। इसी तरीके से बी और सी में भी ऑप्शंस दिए हुए, डी में भी इसी तरीके से सेम टू सेम दिए हुए। तो अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर क्लिक करना है, कौन सा आखिरकार राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तुरंत कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेड ग्रुप में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया जा रहा है। वहां पे आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चंस राइट होते जाएंगे। और आपके एनाटॉमी की आज लास्ट उसमें सीरीज जो चल रही थी क्विज की, वो लास्ट भी सीरीज आपको वहां पे दे दी जाएगी, उसके बाद उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का। 500 रुपीज का सिर्फ पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, अपने पेटीएम किसी के द्वारा भी आप अकाउंट पे भी कर सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको तुरंत नोट्स अवेलेबल करा दीजिएगा, पेड ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपने देखा होगा इसका राइट आंसर, मैक्सिको होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आएगा म्यूनिक, तीसरे नंबर पे आएगा मॉन्ट्रियल, और फोर्थ नंबर पे मास्को हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहां पे अगर बात कर ली जाए तो मैक्सिको, तो ये 1968, यहां पे 1968 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चार दुनी आठ क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। म्यूनिक 1972, एंड थर्ड दिया हुआ है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जाता है जो लोग सीटेट टेट की तैयारी करते हैं, 1976। मास्को हो जाएगा 1980 के साथ में, 1980 के साथ में रिलेट कर जाएगा। उत्तर आपने क्लिक कर दिया है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन के साथ में आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पांच नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिया गया स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन रीड करिएगा, आंसर क्लिक करिएगा, राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स को, और टोटल आपका जो मार्किंग होगी 500 नंबर का पेपर होगा, 500 नंबर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी के जो कमेटी थी उसके प्रथम सदस्य कौन थे? तो पहले सदस्य का नाम बताना, जीडी सोंदी थे, राजा भालिंदर सिंह थे, सर दोराबजी टाटा थे, या फिर पीएम जोसेफ थे? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन कराया गया, गलत किसी से नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। जो भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तुरंत कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, या फिर पेटीएम के द्वारा 9621819209 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा क्योंकि स्कोरिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूट अप होता है। अगर आपके आज क्वेश्चन कम सही होते हैं तो दूसरे दिन आपके थोड़े ज्यादा सही होंगे, तीसरे दिन आपके थोड़े ज्यादा सही होंगे, इसी तरीके से आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहता है क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बूट अप होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक कारणों से ओलंपिक खेलों का बायकॉट किया गया, सही कोर्ट का चयन करना है, मॉन्ट्रियल ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक, मॉस्को ओलंपिक, या फिर रोम ओलंपिक? कोट दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है, 3, 4 दिया हुआ है, और सी ऑप्शन में 1, 3 दिया, 2 और 4 डी ऑप्शन में दिया। तो यहां से आप क्लिक करिए राइट आंसर 7 नंबर का किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन टफ है, थोड़े से आसान भी है, तो इसीलिए आपके 15 से कम मार्क नहीं जाने चाहिए, क्योंकि 15 मार्क आने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट जो मिलता है वो आसान दिया जाता है आप लोगों को। तो राइट आंसर आप क्लिक करिएगा, मॉन्ट्रियल ओलंपिक हो जाएगा यहां पे एक, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा यहां पे, मॉस्को ओलंपिक हो जाएगा। तो 1 और 3 जिसमें भी दिया होगा वह हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1, 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है देख लेते हैं, दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन में दिया, तो सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर आपके, नीचे दिया गया खेलों का समारंभ किस क्रम में प्रारंभ हुआ? अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ही करिएगा वरना गलत हो सकता है। 8 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और सैफ, यानी SAF गेम्स। सैफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे आपका आएगा आधुनिक ओलंपिक खेल। तो नंबर 1 पे आपका आधुनिक ओलंपिक खेल ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसको सेकेंड पे कर देते हैं। और थर्ड पे आपका आ जाएगा एशियन गेम्स आएगा, फिर सैफ आ जाएगा। तो एशियन गेम्स आपका आ जाएगा थर्ड पे, और एक जो बच रहा ये आएगा फोर्थ पे। तो राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, 1, 3, 2, 4 जिसमें दिया होगा वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो उत्तर आपका रिलेट कर जाएगा 1, 3, 2, 4 के साथ में, डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, यूपी टीजीटी के बेहतरीन क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे एक बार चैनल को विजिट करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सारी वीडियो एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगी। वहां से आप पुरानी वीडियोज को एक बार अवश्य देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। निम्न में से किस ओलंपिक गेम्स में ठोस स्वर्ण मेडल दिए गए, 1904, 1908, 1912, 1920? 9 नंबर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, 1912 के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा, आपको आने वाले एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। और आपका नोटिफिकेशन जो रद्द हुआ था वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। निम्न में से कौन ओलंपिक गेम्स का शीर्ष निकाय है? ओसीए, आईओसी, आईसीसी और डी ऑप्शन भी दिया हुआ एफ आई एफ ए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आईओसी हो जाएगा क्या? जी हां, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, 11 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? अब ये बताइए भारत ने किस वर्ष भाग लिया। 11 नंबर राइट आंसर यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओसी के नए नियुक्त प्रेसिडेंट थॉमस वॉच किस देश के हैं? अब इनको बता दीजिए कि जो प्रेसिडेंट महोदय ये किस देश से रिलेट करते हैं? जर्मनी से रिलेट करते हैं, कुवैत से रिलेट करते हैं, रसिया से रिलेट करते हैं या फिर बेल्जियम से रिलेट करते हैं? 12 नंबर का आंसर क्या होगा यहां पे? स्कोरिंग में आपको 21 क्वेश्चंस दिए गए, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट होते हैं। ईमानदारी से आप बताइएगा जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। 12 नंबर राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? ऐसा आरोप लगाया गया है कि आर्थिक विचार तथा संचार माध्यमों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए को चुना गया। तो यह किसको चुना गया था? यह टोक्यो को चुना गया, लेकिन 2020 जो गेम्स होने थे इनको कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। ये कोविड-19 के कारण इसको कैंसिल किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कैंसिल किया गया और कब होना है। तो कब होना है? 2021 में होना है, लेकिन किस डेट में होना है ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन हमने कई बार आपको कम्युनिटी पर भी दिया हुआ है और यहां पर भी दे रहे, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है कि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि 2020 का ये ओलंपिक रद्द हुआ है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं, है आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। निम्न रंगों को ओलंपिक ध्वज में दी गए रिंगों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो अभी दो दिन के पहले जो इसके मॉक टेस्ट दिए थे उसमें आपको यह क्वेश्चन मिला हुआ था। राइट आंसर आप क्लिक करिएगा कौन सा होगा। पहले नंबर पे आ जाएगा आपका नीला, दूसरे नंबर पे आएगा पीला, तीसरे नंबर पे आएगा काला, काला आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे आएगा ग्रीन यानी हरा और लास्ट में आ जाएगा रेड यानी लाल। तो राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा? आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा तो उत्तर आपका रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी उत्तर के साथ में रिलेट कर जाएगा। बहुत जबरदस्त तैयारी है और इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, आपको बीच में रुकना कहीं पर नहीं है। टाइम जितना भी मिलता पढ़ाई को दीजिएगा, अदर वर्क करते हैं उसको कंप्लीट करके पढ़ाई पे आइए, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक को थोड़े दिनों के लिए आप ब्रेक कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई से रिलेटेड आपका माइंड जब रहेगा तो आपके स्कोरिंग अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने बीपीएड किया हुआ है, बीपीई किया हुआ है या सीपीएड किया हुआ है, जो भी कोर्स आपने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किया हुआ है, डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, वो आपको हेल्पफुल साबित हो जाएगा। क्योंकि 4-5 महीने की मेहनत कर लीजिए, 4-5 महीने की मेहनत के बाद आप सरकारी स्कूल में 60,000 रुपए के मालिक बन जाएंगे। मंथली सैलरी आपके क्रेडिटेड टू जब लिख के आएगा इतने 1000 सैलरी, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ जो मेहनत की थी वो मेहनत हमारी सफल हुई। तो 15 नंबर, बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फ्लेप्स ने किसके कीर्तिमान को तोड़ा है? मार्क स्पिस, विल्सन चेरियन, इयान थोपे, रोलैंड मैथस। राइट आंसर 15 नंबर किसके साथ में हो जाएगा? मार्क स्पिस के साथ में हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 16 नंबर का, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बताया था तो वहां पे हमने सर्च किया, बहुत सी बुक्स में कुबर्टिन महोदय का नाम दिया हुआ था, लेकिन आपका जो सही आंसर था फादर हेनरी डीडोन था। राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बताया था तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और अगर इस तरीके की एक दो मिस्टेक्स हो जाती तो आपको जो मैराथन क्लास मिलेगी या अगली क्लास मिलेगी वहां पे उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सर के द्वारा क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं और हमारे द्वारा यहां आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आंसर्स के रूप में। तो कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती, आप लोग उन मिस्टेक्स को थोड़ा आप लोग
इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, आप वहां पर कमेंट करके बताते हैं तो वहां पर हम लोग ध्यान देते हैं, उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का, और आप इसी तरीके से बस पढ़ते जाइएगा, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता जाएगा आप लोग को पढ़ने के लिए। आरंभ किए जाने के कालानुक्रम में निम्न को व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर व्यवस्थित करके बताइए 17 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल या फिर गैलीडियोटियल कैम्बेट। उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कौन सा ऑप्शन जाएगा यहां पर राइट आंसर। इसमें नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, सही कूट का चयन करके बताना है, तो यहां से लगा देते हैं इसको सही क्रम में। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। एक मिनट, ये गैलीडियोटियल कैम्बेट जो लिखा हुआ ये पहले नंबर पे आएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल आ जाएगा। फिर आ जाएगा थर्ड पे आपका राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल खेल यहां पे आ गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, एशियाई खेल बच रहा है तो इसको लिख देते हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर रिलेट कर जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पर आया था फोर्थ, फोर्थ को कर देते हैं यहां वन, यहां पे फोर्थ लिख देते हैं सबसे पहले। सेकंड पे आया है आपका वन, तो यहां पे वन लिखते हैं। थर्ड पे आया है थर्ड, और फोर्थ पे आया है टू। 4 1 3 2 जिस भी ऑप्शन में मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपने देख लिया होगा, ए ऑप्शन में दिया तो ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और कम से कम 125 क्वेश्चन में से 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए इस टाइप के मिलेंगे। और पेपर ज्यादा टफ बनाना होगा तो कथन से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोट मिल जाएंगे, मिलान मिल जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया जाता है, पेपर टफ हो जाता। और थोड़ा सा अगर ईजी करना होता तो स्कोरिंग आपकी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आपको हर टाइप के पढ़ने और हर तरीके से आपको तैयार रहना है एग्जाम देने के लिए, चाहे टफ पेपर आए या आसान पेपर आए या फिर मॉडरेट पेपर आए। पीरेडी कोबर्टिन आईओसी के अध्यक्ष रहे 1896, 1925, 1894, 1923, 1898, 1927 तक या फिर 1895 से 1924 तक। कहां से कब से कब तक रहे, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का तुरंत कमेंट करके बताना है आपको। यहां पे आपने नोट कर लिया होगा इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1896 से 1925 तक पीएरडी कुबर्टिन जी आईओसी के अध्यक्ष रहे। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और तुरंत पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हैं 10,000 क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे, साथ में आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे। पेड ग्रुप में आप लोग को मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से किन वर्षों में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भागीदारी नहीं की थी, कौन से वर्षों में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भागीदारी नहीं की थी। 19 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1930 यहां पे लिखा हुआ है, जी हां आपका 1930 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1950 भी है, 1950 मिल जाएगा, 1930 यहां पर लिख देते हैं आपका। यहां पे नंबरिंग आ गई है तो इसको कर देते हैं बी, ये हो गया आपका बी। और उसके बाद आएगा आपका सी पे दिया हुआ है ऑकलैंड, ये इसको कर देते हैं सी 1950। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 1962, ये हो जाएगा आपका ई। एक और आएगा आपका कौन सा है, 1986 कैसे आ गया यहां पे, इसको चेंज कर लीजिएगा, 1966 कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा एफ नंबर। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे आंसर जिसमें बी सी ई एफ दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर राइट हो जाएगा। बी सी ई एफ देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका बी सी ई एफ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन के साथ में आंसर तो रिलेट कर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1930 ये हैमिल्टन कनाडा, 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड, 1962
पर्थ ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे जो लिखा हुआ था 86 इसको कर लीजिएगा 1966। सो ये हुए थे एडवर्ड स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर आपने सी ऑप्शन के साथ में क्लिक किया, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के आयोजन के क्रम को लगाना है सही से, बार्सिलोना स्पेन, रोम इटली, हेलसिंकी फिनलैंड, सियोल कोरिया। थोड़े से क्वेश्चन टफ भी थे इसमें, लेकिन 15 से कम तो आपके तब भी नहीं आने चाहिए, इतनी बार आप लोग रिवीजन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, तो रोम इटली के साथ में रिलेट कर जाएगा, रोम इटली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या बताना है आपको, हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, स्कॉर्पिक एसिड हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। तो ये तो आपका गलत होने नहीं चाहिए, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी हम देते रहते हैं आपको, आसान है तब भी आपको मिलता रहता है, इससे आपके हैबिट में बना रहे। आप क्वेश्चन देखें, आंसर क्लिक करें, आप जितना टाइम लगता है एक सेकेंड के अंदर, जैसे क्वेश्चन दिखा विटामिन सी का रासायनिक, स्कॉर्पिक एसिड, सर्किल बना दिए तुरंत, वहां पर सी ऑप्शन के साथ में अंतर रिलेट कर जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 21 क्वेश्चन। आप लोग स्कोर करके बताइएगा कि 21 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, और मैराथन क्लासेस भी आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो नए वीडियो के ये थोड़ा सा वेट करिएगा, नया वीडियो आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। और जो भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9621819209। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आप लोग को पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, या फिर आप अकाउंट पे भी कर सकते हैं, किसी दूसरे फ्रेंड के द्वारा कराकर स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा, बस आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद में आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे और साथ में ऐड भी कर दिया जाएगा, 10,000 क्वेश्चंस तुरंत मिलेंगे। और पेड ग्रुप में जैसे ही आप ऐड होंगे वहां पे आपको क्विज दिया जाता है, मॉक टेस्ट दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट्स आपको एग्जाम्स के पहले अवेलेबल कराए जाएंगे, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है। तो नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, 100% क्वालिफाई करना, और एक सीट अपनी रिजर्व करनी है।